बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा सातवीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 17/2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 21 माँ कहर एक कहानी के बारे में बताएंगे, और उसके जो प्रश्नोत्तरी हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपको ये बता दें कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको पाठ का अध्ययन अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। यदि आपको पाठ को पढ़ लेते हैं, पाठ उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आप पाठ को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसका उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं पाठ 21 माँ का है एक कहानी, ये अति लघुत्तरी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, तात कहाँ भ्रमण करते थे। प्रश्न एक क्या दिया है, तात कहाँ भ्रमण करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तात उपवन में भ्रमण करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न एक कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर दो में क्या कह रहा है, देखिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु खिले थे। पंक्ति में योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो योजक चिन्ह वाले शब्द कौन से, देखिए यहाँ पे वर्ण वर्ण में ये योजक चिन्ह है, ये है कि नहीं वर्ण वर्ण। तो ऐसे ही आपको योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है पंक्ति के। तो इस पंक्ति का योजक चिन्ह वाले शब्द कौन से हो गए, वर्ण वर्ण। इस पंक्ति में ओनली आपको जो ये पंक्ति दिया इसी में से बताना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ण वर्ण और हिम बिंदु योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। ये कौन से, वर्ण वर्ण और हिम बिंदु योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। तो जो आपको प्रश्न पूछा था उसके आधार पे आपको यहाँ पे उत्तर देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन में क्या कह रहा है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। तो आप उत्तर बता देंगे, पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। पुत्र अपनी माँ से किस चीज़ की हट कर रहा है, तो पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर तीन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चार, जो लघुत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर चार, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा। उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा, तो आप उत्तर बताएंगे, उपवन में हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाढ़ मारा। तेज बाढ़ के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। प्रश्न था, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा, तो आप उत्तर बता सकते हैं, उपवन में हंस गिर पड़ा क्योंकि, क्यों गिर पड़ा, क्योंकि शिकारी ने उसे बाढ़ मारा। किसने बाढ़ मारा था हंस को, शिकारी ने। तेज बाढ़ के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। इस प्रकार प्रश्न नंबर चार कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है, हुआ विवाद सदय नदय से, उभय आग्रही थे सौ विषम में, गई बात तब न्यायालय में, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो आपको ये पंक्तियाँ दी हैं, इन पंक्तियों के क्या लिखना है, आपको भावार्थ लिखना है। तो चलिए इसका भावार्थ क्या है देखते हैं, दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा, दोनों ही अपने अपने विषय पर अड़िग थे, तब यह विवाद न्यायालय में चला गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर पाँच की पंक्तियों के भावार्थ आपको हमने यहाँ पे बता दिए। इस पर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको किसकी परिभाषा देना है, यमक अलंकार की। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बताइए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उपय अलंकार। शब्द अलंकार कौन सा होता है, जिसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उपय अलंकार कहते हैं। तो हमें यहाँ पे यमक अलंकार पूछा गया है, और यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अब यमक अलंकार की परिभाषा बताना हमें, तो देखिए यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, बताइए यहाँ पे यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या है यमक अलंकार की परिभाषा, बताइए, आपको याद हो जानी चाहिए। जहाँ एक शब्द की
जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, क्या है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग बा पाए बोराए। यानी यहाँ पे जो कनक शब्द है, देखिए कनक शब्द क्या, एक शब्द एक से अधिक बार आया, यानी कनक शब्द कनक कनक 2 बार आया यहाँ पे देखिए, लेकिन दोनों कनक शब्द का अर्थ अलग होता है। एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोने से और दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरे से। तो परिभाषा के आधार पर देखिए, एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो, देखिए यहाँ पे कनक यानी होता है सोना और दूसरे कनक मीन्स होता है धतूरा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, जैसे प्रश्न है आपको उत्तर वैसे ही देना है। कविता, प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। जो कविता है, कौन सी कविता, इस पाठ की जो कविता दी गई है, इस कविता के भाव, पाठ 21 है, माँ कहे एक कहानी, इसमें कविता दी गई है, इस कविता के भावों को आपको किसमें लिखना है, कहानी के रूप में। तो चलिए देखते हैं हम इस कविता को, और यह कविता किसने लिखा है ये भी मालूम होना चाहिए। इस कविता को मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका उत्तर, प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, यह कविता किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रची गई है, मैथिली शरण गुप्त, जिसमें एक बालक अपनी माँ से कहानी सुनाने की बात कह रहा है। उसकी माँ उसे सिद्धार्थ और एक शिकारी की कहानी सुनाती है, जिसमें प्रातःकाल एक शिकारी द्वारा एक हंस का शिकार करके उसे सिद्धार्थ के पास जमीन पर गिरा देता है। सिद्धार्थ उस पक्षी पर दया करके उसे उठा लेता है। तब तक वहाँ शिकारी आता है तथा दोनों लड़ते हुए न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार यह फैसला होता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस प्रकार इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी निरअपराध जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 7 था कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 7 के बाद आपका मूल्यांकन 14 आता है। चलिए देखते हैं मूल्यांकन 14 के अति लघुतरी प्रश्न क्या है। इतने में आखेट आया, पंक्ति में आखेट शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 8 है, इसमें कहा इतने में आखेटक आया, पंक्ति में आखेटक शब्द का अर्थ क्या है। तो आप उत्तर बता सकते हैं, पंक्ति में आखेटक शब्द का अर्थ होता है शिकारी। आखेटक मीन्स क्या होता है, शिकारी, शिकार करने वाला कौन कहलाता है, शिकारी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, लघुतरी प्रश्न है, आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप कैसे सुलझाते हैं। आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप कैसे सुलझाते हैं, तो उत्तर बता दीजिए इसका। इसका उत्तर जो होगा आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं, यदि किसी बात पर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें क्या दिया है, आप अपने आसपास से किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। किसी भी पशु पक्षी के बारे में लिख सकते हैं, चाहे पशु हो या पक्षी, उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मोर के बारे में बताया है, तो मोर क्या है, एक पक्षी है, और कौन सा पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके हमने पॉइंट बना के बताए हैं। नंबर 1 के बताए, हमारे आसपास सुंदर मोर पाए जाते हैं। नंबर 2, मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 3, मोर अधिकतर वर्षा ऋतु में नृत्य करते हैं। नंबर 4, मोर को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि यह जहरीले कीड़ों को खाता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने मुकुट में लगाते हैं, इसलिए मोर पंख की पूजा भी की जाती है। नंबर 6, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं जो बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 10 दीर्घोत्तरी प्रश्न कंप्लीट होता है, और इस प्रश्न के साथ आपका मूल्यांकन 14 और पाठ कौन सा था, पाठ 21 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि बच्चों इसकी जो प्रश्नोत्तरी बताएं ये आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।